Good afternoon, everyone. So today is basically our third class of inventory, right? And we were solving a lot of problems and we'll be doing quite more also today. So ये अपना test your knowledge था. हम लोग book का सारा questions करेंगे plus I have given some notes. उसमें भी there are some questions. We will do those questions as well, right? So मैंने जो दिया है उसमें basically इसमें कुछ कुछ questions almost इसी के repetitions हैं. राइट जो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा रिपीटेड नेचर का है और बाकी हम लोग जो भी कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस में इसमें से काफी सारा क्वेश्चंस ऐसा है जो पास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है तो वो सब भी वी विल डू इट. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू ये होमवर्क था. आई गेस यू ऑल हैव डन इट सो विल डिस्कस दिस. व्हिच आइटम ऑफ इन्वेंटरी इज अंडर द स्कोप ऑफ AS2. मैंने बताया था ये AS2 के अंडर में नहीं आएगा. WIP अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. This is not covered under AS2. Share is also not covered under AS2. ये AS7 है, right? This is also AS13. ये भी debentures भी covered नहीं होगा, right? So raw material is within the scope of accounting standard 2. So option B is the correct answer. Then number 2. Material and other supplies held for use in the production of inventory. Matlab they are talking about raw material. Production of inventory means finished goods. Theek hai. Are not written down below cost. रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है? रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन डिपेंड करता है फिनिश गुड्स पे. अगर फिनिश गुड्स सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट देन रॉ मेटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट, इजंट इट? और अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस इज बिलो कॉस्ट तो मालूम है ना आप लोगों को रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट NRV मींस RC रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो यहां पे बोला इफ फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट तो रॉ मेटेरियल का वैल्यू को नहीं गिराएंगे. इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस. राइट. ठीक है तो अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. कुछ कुछ में एलिमिनेशन कर सकते हैं, कुछ कुछ में डायरेक्टली आपको आंसर पता रहता है. इफ फिनिश गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट देन इन दैट केस रॉ मेटेरियल को हम लोग कॉस्ट पे ही वैल्यू करेंगे. जिस दाम में खरीदा गया है उसको हम लोग राइट ऑफ नहीं करेंगे. वी वोंट राइट इट डाउन. राइट.
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता, एबनॉर्मल नहीं लिया जाता, स्टोरेज नहीं लिया जाता. फिक्स्ड ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे लेते हैं, और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा है तो एक्चुअल प्रोडक्शन को डिनोमिनेटर ले लिया जाता है. राइट, इज इट फाइन? Identify which is and are correct, right? Incorrect, sorry, incorrect पूछा, कौन सा गलत है? Storage cost, which is a necessary part of the production process. स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, गलत है ये. स्टोरेज कॉस्ट विच इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन्वेंट्री वैल्यूएशन. नहीं, अभी मैंने बताया ना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एबनॉर्मल लॉस एडमिनिस्ट्रेटिव, सो दिस इज इनकरेक्ट. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर नेवर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दिस इज करेक्ट. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, दिस इज इनकरेक्ट. Full amount of variable production overhead incurred are included in inventory valuation. This is also correct. So A and D are incorrect. क्लियर? ओके, थ्योरी क्वेश्चन है. इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इट इज एप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट. सर्टेन कॉस्ट में क्या क्या चीज आएगा? स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस, सेलिंग एंड, इन सब चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता. डन. चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में. तीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन सिक्स पहले करेंगे. नॉर्मल वेस्टेज 4%, इसका मतलब ड्यू टू नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट क्या होता है बोलो? इंक्रीजेस. मैंने बोला था ना, नॉर्मल लॉस के कारण क्या होता है? दूसरे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है ना. Now, during the year 2000,
वन एंड टू द कंपनी यूज 1200 मेट्रिक टन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 150 पर मेट्रिक टन. एट द एंड ऑफ द ईयर 600 मेट्रिक टन ऑफ वेस्टेज वॉज इन स्टॉक. मतलब टोटल वेस्टेज है. द अकाउंटेंट वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस वेस्टेज इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स. Explaining the context of AS to revise the treatment of normal loss and abnormal loss and also find out the amount of normal loss if any. Normal loss का तो treatment मैंने बताई दिया. दूसरे product का cost बढ़ जाएगा. And what is the treatment of abnormal loss? Charge to PL. Expense बोल के आप इसको PL में charge करेंगे. स्टार्ट करिए आप लोग. आई एम गिविंग यू 1 मिनट का टाइम. फटाफट जल्दी जल्दी क्विक. तीन ही क्वेश्चन है. बारह हजार मेट्रिक टन और 150 करके. दैट कम्स टू 18 लाख. राइट. नॉर्मल लॉस 4%. नॉर्मल लॉस के कारण आपका कॉस्ट पर ऑफ अदर प्रोडक्ट बढ़ जाएगा ना. तो टोटल वेस्टेज कितना है? 630 अप टू अ सर्टेन लिमिट नॉर्मल लॉस. उसके ऊपर जो होगा वो एबनॉर्मल माना जाएगा. तो ये जो कॉस्ट आएगा ना, दिस इज मोर देन 150 बिकॉज सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18 लाख बाई 11,520 इंटू 150. दैट कम्स टू हाउ मच? 2, 3.
कॉस्ट पर मेट्रिक टन निकालने का दरकार नहीं, निकालना चाहे तो निकाल सकते। कितना आ रहा है? 150। ये लास्ट क्लास हम लोग किया है सेम समय सा। नेक्स्ट नंबर 7। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। हिज फैक्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स यूजिंग रॉ मटेरियल ए, तो दे आर इन हैंड, उनके हाथ में रॉ मटेरियल भी है, WIP भी है, फिनिश प्रोडक्ट भी है। इसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल सेम है, हाँ या ना? ओके इसका कैन यू सी, फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट दे दिया, WIP का कॉस्ट दे दिया, रॉ मेटेरियल का कॉस्ट दे दिया। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस दे दिया, चलिए बढ़े आगे आइए। तो आप लोगों को मालूम है क्या लिखना है? एज पर एस टू विच डील्स विथ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक टू बी मेजर्ड एज फॉलो, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इधर में वैल्यूड एट कॉस्ट इफ फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और
above cost, else raw material valued at RC, ये वैल्यूएशन हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सो ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल हम लोग लिख देंगे पहले। नाउ बहुत सिंपल है, फिनिश गुड्स का कॉस्ट 320 है, सेलिंग प्राइस 300, तो फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट, सो देयरफॉर रॉ मेटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट प्राइस। सबसे पहले 600 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड एट आरसी, सिंस फिनिश्ड गुड्स इज expected to be sold below cost, finished goods ka selling price 300 is less than finished goods ka cost 320, therefore value of raw material 600 into 90, that is 54,000.
हाँ ये सब लिख देंगे एग्जाम में, इसी पैटर्न में लिख देंगे। थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो कर सकते हो। 500 यूनिट्स ऑफ WIPX, तो मालूम है कॉस्ट कितना है, 500 इंटू 260 इज इनकर टिल डेट। एनआरवी एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 300 माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग लगेगा अभी भी ₹60। दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ 60 पर यूनिट। राइट सो लोअर विल बी 1,20,000। कितना 1,500 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स एक्स इंटू 300 कितना आएगा, 1,500 इंटू 320 इज द कॉस्ट। हाउ मच 4,80,000 आएगा क्या, एनआरवी आएगा 450। तो इसमें लोअर लेंगे, इधर भी लोअर लेने का है, ठीक है ना। ठीक है देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव नंबर 8, कहाँ गया ये रहा, नहीं तो सॉल्यूशन है।
WIP नेक्स्ट ईयर इसको फिनिश करेंगे, फर्दर कॉस्ट लगेगा 310। इट कैन बी सोल्ड फॉर 750 सब्जेक्ट टू 4% ब्रोकरेज। हो गया, कॉस्ट इज 530, एनआरवी निकाल लो, 750 इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, 4% ऑफ 750 इज माई ब्रोकरेज सेलिंग एक्सपेंसेस, फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इज 310। इसके बिना बेच ही नहीं पाएंगे, 750 तभी आएगा, 750 तभी आएगा जब 310 का खर्चा होगा। तीन सौ दस आंसर है। सर इतना इजी इजी आएगा एग्जाम में? दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये हमने इस तरीके से पढ़ाई किया है बोल के हमारा बेस स्ट्रांग है तो हमको आता है। ओ, मैंने सब्ट्रैक्शन गलत कर लिया क्या? ओ सॉरी माय मिस्टेक। कितना आ रहा है सब्ट्रैक्शन में? 750 माइनस 30 माइनस 310। अच्छा हाँ, 410 आ रहा है। ओके सो दिस विल बी 410 लोअर। ठीक है, 750 में तभी बेच पाएंगे जब 310 का खर्चा करेंगे। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर दिस चैप्टर फ्रॉम इंस्टीट्यूट स्टडी मैट। नाउ आई विल बी गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस जो हमारे इस पीडीएफ में है, दैट मैंने नहीं बनाए बेटे ये क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन पास्ट में आए हुए हैं, कुछ कुछ अदर बुक से लिया हुआ है। ठीक है, आइए। सबसे पहले हम लोग नंबर 3 करेंगे।
Best deals, deals in five products PQRST, which are neither similar nor interchangeable. While choosing its accounts, historical and NRV of the closing stock are. मैंने आपको बोला था ना आइटम बाय आइटम बेसिस होगा. हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है. तो 475 लोअर है, इसका कॉस्ट लोअर है, इसका ये है, इसमें कुछ भी ले लो, कोई भी एक ले लो, इसमें ये हर आइटम का कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर देखा जाएगा आइटम बाय आइटम, नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस. Not on overall basis. क्लियर. सो टोटल कर लेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है. कितना 29,000. इसको आगे बढ़े आइए. नेक्स्ट वी विल टेक अप, पहले वन कर लेते हैं. कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन सिस्टम. एज पर चीफ अकाउंटेंट अ प्रोटोटाइप सिस्टम वॉज इंस्टॉल्ड एट one of the customer's location for getting acceptance on the performance of the system. Now, agar aap koi bhi saman customer ke ghar pe dete hain and you are awaiting for acceptance, iska clear matlab hai, goods are sent on sale or return basis. See a foundation. सेल और रिटर्न बेसिस में ओनरशिप उस किसके पास रहता है? सेलर के पास ही रहता है. कब तक? जब तक सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर ले. तो बोलता है एज चीफ अकाउंटेंट हैज स्टेटेड दैट एज द ओनरशिप ऑफ द सिस्टम इंस्टॉल्ड फॉर फील्ड ट्रायल वॉज वेस्टेड विद द कंपनी फॉर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल पर्पज द प्रोटोटाइप सिस्टम इंस्टॉल एट द कस्टमर्स लोकेशन वॉज कैपिटलाइज इन द बुक्स एट बॉट आउट कॉस्ट एंड ऑल्सो चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट. गलत है ये भैया, आपने तो इसको बेचने के लिए बनाया है ना, हाया ना. तो ये आपका इन्वेंट्री है. पहला बात आप हमको ये बताइए, फिक्स एसेट है कि इन्वेंट्री है? सर ये आपने प्रोटोटाइप बनाया, अब आपको और भी ऑर्डर बेचना है उसको, तो ये भी तो सेल कर सकते हैं आप. तो पहला बात, जो आपने डेप्रिसिएशन दिया है ना, ये गलत है.
ये नहीं होना चाहिए। हाँ स्टेट वेदर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय द कंपनी इज करेक्ट और नॉट। ऐसा कब करते हैं? जब हम खुद का यूज के लिए फिक्स्ड एसेट बनाएं, खुद उसको ट्रायल करें, सेल्फ जनरेटेड एसेट होता है। मैंने खुद के यूज के लिए तो नहीं, मैंने तो अल्टीमेटली मैंने बेचना है इसको, ओनरशिप मेरे पास में है, ऐसा ही होता है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ओनरशिप मेरे पास में रहता है। जब तक सामने वाला कंफर्म नहीं कर देता, आई विल शो इट एज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे तो डेप्रिसिएशन होता नहीं है ना, राइट? सो वी कैन राइट पीडीएफ का, हम लोग क्वेश्चन वन कर रहे हैं जो हम लोगों ने दिया आपको। प्रोटोटाइप सिस्टम इंस्टॉल्ड एट कस्टमर लोकेशन विच इज अवेटिंग अप्रूवल इज नॉट एन आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट एज इट इज हेल्ड फॉर सेल। The treatment adopted by company is incorrect as inventory should be shown at cost in company's books till buyer signifies his acceptance। जब तक buyer acceptance नहीं दे देता, तब तक हम उसको अपने books में cost पे दिखाएंगे। No depreciation is to be provided on inventory। Right? तो जब मैंने इंस्टॉल किया, सेल दिखा दो, और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब वो कंफर्म कर देगा। ऐसे ही होता है ना, कैजुअल मेथड में क्या होता है? कैजुअल मेथड में व्हाट हैपेंस? At the time of sending goods, आप उसको सेल दिखा देते हैं, बट अल्टीमेटली कंफर्म कब होता है? वो जब वो एक्सेप्ट करता है, सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस। डन। ओके
तो इंस्टॉल के वक्त आप इसको सेल दिखा दो और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो जब वो कंफर्म करेगा. नंबर फोर, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अमाउंटेड टू 5,956,700. ये कंपनी का कॉस्ट दे दिया है, ठीक है. साढ़े 350 शर्ट विच हैड कॉस्ट 380. अच्छा, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है ना, इसमें बहुत सारा आइटम है, तो यहां पे दो आइटम के बारे में चर्चा कर रहा है. तो शर्ट का कॉस्ट कितना आएगा? 350 × 380. हाउ मच? जस्ट डू इट. और ट्राउजर का होगा, हाँ, 1,33,000. दिस इज इंक्लूडेड इन दिस फिगर. एंड ट्राउजर का होगा 700 × 520. दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर. इसका मतलब साफ समझ में आ रहा, और भी बहुत सारा आइटम है. तो ये जो फिगर है ना, 133 and 364, दिस इज इंक्लूडेड इन दिस. नाउ जनरली क्लोजिंग स्टॉक में थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर इफ इट इज फिनिश गुड्स और WIP. और रॉ मेटेरियल है तो कॉस्ट, बट इफ फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो बोलता है जो 350 शर्ट है जिसका 380 कॉस्ट है, राइट, 133 इज द टोटल कॉस्ट. इसको नॉर्मली हम लोग 750 में बेचते हैं, बट डिफेक्ट होने के कारण बैलेंस शीट डेट के बाद में इसको 50% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस में बेचा है. नाउ दोस्तों, मैंने आपको ये लास्ट क्लास बताया था, ये हमारा बैलेंस शीट है, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर. ईयर एंड में 350 शर्ट कितना इसका कॉस्ट है? ठीक है, 350 शर्ट बच गया. इसको हम लोग किस पे दिखाएंगे? कॉस्ट 380, एनआरवी. इसका ऑडिट यहां हो रहा है, ऑडिट एंड अकाउंट्स अप्रूव्ड. ये डेट. तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड दिस शर्ट माइट बी सोल्ड. सो दिस इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. तो अगर हमको मालूम है शर्ट क्या दाम में बिक गया इस टाइम पीरियड में, तो ऑन 31st of March आई विल ट्रीट दैट सेलिंग प्राइस एज माई एनआरवी. अगर अभी भी नहीं बिका तब तो आपको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा. लेकिन आपका फायदा क्या है? मार्च में आपका साल खत्म हुआ, सितंबर में आपका अकाउंट्स अप्रूव होगा, उस दौरान ये इन्वेंटरी तो बिक जाएगा. तो जो सेलिंग प्राइस है उसी को ऑन 31st March तुम एडजस्ट कर लो ना. अगर मैं दिसंबर 31st March का बैलेंस शीट 31st March को ऑडिट करके 31st March को अप्रूव कर दू तब बात अलग है. लेकिन इसको अप्रूवल होते होते तो तुम्हारा हो रहा है ना, टाइम पीरियड लग रहा है.
So this is what? Event occurring after balance sheet date but before approval of accounts. क्या दाम में बेचा है मैंने? सेवन फिफ्टी का 50% रेट में. माइनस 5% ऑफ 375 कमीशन सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है ना. सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू 5% ऑफ द प्रोसीड्स. तो प्रोसीड 50% आया था उसी का 5% लगेगा. हा 356.25. देयरफॉर शर्ट should be valued at lower of cost or NRV equals to 356.25 into 350. कितना आया? हाँ सिक्स एटी एट ले लो. अगर आपको बैलेंस शीट डेट के बाद में मालूम ही चल जाता है कि स्टॉक कितने में बिका है तो वही उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्च में. अकाउंट्स अप्रूव होते होते अगर ये मालूम चल जाए कि क्या दाम में बिका है तो वही एनआरवी पकड़ लेंगे. डन. ट्राउजर यहां पे ना सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बैच दिया हुआ है. सो क्या करना है अपने को? बहुत सिंपल है. सात सौ ट्राउजर का पहले कॉस्ट निकालो. 700 × 520 बोल भाई. 3,64,000 एनआरवी निकालो. 700 को कितना करके बेचा है? 300 टोटल. सिक्स सिक्सटी वन तो जाहिर सी बात है इसमें लोअर कॉस्ट ही आएगा.
So now you see that this is okay, ये वाला वैल्यू इज ओके, बट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड एट दिस प्राइस, रैदर इट शुड बी इंक्लूडेड एट 124,688. सो यू नीड टू ब्रिंग डाउन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. उसको बोलते हैं राइट ऑफ. क्या बोलते हैं? राइट ऑफ. तो ये जो भी कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट में से अपने राइट ऑफ माइनस कर देंगे तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा, राइट? सो हाउ टू डू, देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 956,700 माइनस राइट ऑफ. एंड व्हाट इज राइट ऑफ? 133 माइनस 124,688. नाइन फिफ्टी सिक्स सेवन हंड्रेड माइनस हाँ 8312. हाँ, डन. आइए नंबर फाइव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रॉ मेटेरियल 125 रुपए केजी में खरीदा हुआ है, तो दिस इज कॉस्ट. इसका दाम गिरते जा रहा है, लेकिन इसका दाम गिरते जा रहा है ये इसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल डिसाइड नहीं करेगा. इसका दाम गिरते जा रहा है इससे इसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल फिनिश गुड से डिपेंड करेगा. फिनिश गुड्स बोल दिया, ये जो रॉ मेटेरियल से जो फिनिश गुड्स बिक रहा है उसका पोजीशन ठीक नहीं है, बिलो कॉस्ट बिकेगा, तो दिस रॉ मेटेरियल विल बी शोन एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रॉ मेटल मेरे पास 15,000 किलो बचा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता अभी.
और रिप्लेसमेंट कॉस्ट 100 रुपया पर केजी। सर मैं आपको एक बात बोलूं क्या, सवाल में लिखा है रॉ मेटेरियल, रॉ मेटेरियल जिस फिनिश गुड्स में जाएगा वो वाला फिनिश गुड्स बिलो कॉस्ट बिकेगा, तो हमको तो आंसर वही मिल गया। लेकिन मैं चेक भी तो कर सकता हूं, गवार थोड़ी हूं। देखो फिनिश गुड्स का कॉस्ट दे दिया है नीचे, मैंने चेक कर लेना है। मटेरियल 125, लेबर 20, वेरिएबल ओवरहेड 10, अभी 155 आ गया और फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट, अगर मैं इसमें फिक्स्ड ओवरहेड का शेयर डालूं $10,00,000 by 1,00,000, 10 आया। कितना आ रहा है? 165। तो ये जो कॉस्ट आ रहा है 140 के नीचे है। कॉस्ट के नीचे है ना, आइए सबसे पहले क्वेश्चन 5 में मेरे को कुछ कुछ चीज बताइए। बैलेंस शीट डेट वाले दिन आपके पास रॉ मेटेरियल 15,000 किलो बचा हुआ है और ये आपके पास 2,000 बचा हुआ है, दोनों का वैल्यूएशन करना है अपन को। कहीं ना कहीं दोनों का वैल्यूएशन करने के लिए अपन को कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स चाहिए, हाँ या ना? सो रॉ मटेरियल है 125, लेबर कॉस्ट 20, वेरिएबल ओवरहेड 10 और फिक्स्ड ओवरहेड मैंने लेना है 10,00,000। नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे, राइट? आ गया कॉस्ट। इफ फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस है 140 is less than finished goods का cost 165, therefore raw material should be valued at, बोलो बेटा RC, so 15,000 into 100
That comes to 10 lakh. RC is 100. Is it fine, everyone? Raw material to replacement cost में दिखाएंगे और finished goods का cost 165 है, NRV 140, तो lower में value होगा. फिनिश गुड्स का कॉस्ट हमको दोनों केस में ही निकालना पड़ेगा, चाहे रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन आए, चाहे तुम्हारा फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन आए. राइट, ओके. नंबर सिक्स आप लोग होमवर्क करेगा, मैं करवा चुका हूं ऐसा सम, अभी ऊपर में जो कराया सेम वैसा ही है. सेवन इज ऑल्सो होमवर्क, ये सब चीज मैं नहीं कराने वाला. टू इज ऑल्सो होमवर्क, वील गिव यू द करेक्ट पीडीएफ. इसमें क्वेश्चन पूरा आया नहीं है, मिल जाएगा आपको. लेट अस डू नंबर एट, वेरी इंपॉर्टेंट.
स्विगी कर देने बोलो। अक्षय फार्मा लिमिटेड ऑर्डर 16,000 केजी ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल एट 160 पर यूनिट। परचेस प्राइस में जीएसटी है तो मैंने आपको बताया था अगर जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा तो वो एक्स जीएसटी हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट। क्लियर। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडमिसिबल। फ्रेट इनकर्ड है 140 160, नॉर्मल लॉस 2%, कंपनी रिसीव्ड इतना एंड इतना कंज्यूम हो गया, बहुत सिंपल है। जस्ट होल्ड ऑन। बेसिकली 16,000 इंटू 160 और 10 रुपया ये, ठीक है, ओके। नाउ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर केजी यूनिट अमाउंट। सो परचेज प्राइसेस वन सिक्सटी में 10 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा ना, कितना आ रहा है 60 क्रेडिट। इज एडमिसेबल कितना रहा 115 to 16,000 बोलो 24 लाख। प्लस ट्रांसपोर्ट 140 160 टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 2%। कॉस्ट ऑफ अदर यूनिट will increase तो बचा कितना 15,680 2540160
कितना है एग्जैक्ट? हाँ कितना? 1। ठीक है, आप ध्यान से समझो। अब इसमें 3 ब्रेकअप आएगा, क्या आपको रिसीव 15,680 हुआ कि कम हुआ है? 15,500। सो नाउ यू आर गेटिंग अब नॉर्मल लॉस हाउ मच? 180 kg। नाउ आउट ऑफ 15,500 हाउ मच इज कंज्यूम्ड? सो दिस विल गो टू सीओजीएस। हाँ है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड होगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। कितना? 1,900 kg। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन। 15,680 में 15,500 ही मिला है, तो 180 मोर लॉस, दैट्स अब नॉर्मल लॉस। सो एट द रेट 162, एट द रेट 162, एट द रेट 162 कितना आ रहा है वैल्यू बोलो? कितना? 29,160। ₹22,03,000। दिस इज चार्ज टू पीएल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। 13,600 इंटू 162 करने से यही आ रहा है ना, 220,320।
ट्रीटमेंट भी पूछा था, कॉस्ट भी पूछा था। ठीक है, लेट अस डू नंबर 9। जेड ऑर्डर्ड, तेरह हजार किलो ऑफ केमिकल, 25 प्राइस में 2.5 रुपया जीएसटी, जिसका अपने को क्रेडिट मिल जाएगा। फ्रेट 30,000 जस्ट एज लास्ट सम प्रॉब्लम, नॉर्मल लॉस 4%, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर अगर कुछ लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस, जैसे 4% कितना आ रहा है। थर्टीन थाउजेंड का 4% कितना, 520 kg। और अगर लॉस देखेगा तो टोटल लॉस के लिए ये वाला एंड देन रिसीव्ड 600 का टोटल लॉस है। आगे इनपुट आउटपुट मैच करो, कॉस्टिंग में तुम लोग सीखेगा ये इनपुट आउटपुट। 13,000 kg इनपुट, नॉर्मल लॉस 520, टोटल लॉस 6 से हुआ, मतलब दिस इज 80। नाउ सी दिस इज 600, तो 13,000 माइनस 600 इज 12,400। आउट ऑफ 12,400 हाउ मच इज कंज्यूम्ड, 10,000। सो व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले ये मैच करना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट मैच नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट आर द अमाउंट्स इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री में, मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा परचेज प्राइस से। हाँ है ना, जो कंटेनर्स में मैं आपको दे रहा हूं वो नॉन रियूजेबल है, रियूजेबल नहीं है, तो उसको मैंने स्क्रैप में बेचा है 500। इट विल बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ स्क्रैप। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो भगवान श्री कृष्ण भी बोलेगा तो भी मत लेना। राइट, सो नाउ नंबर 9, यूनिट अमाउंट परचेज प्राइस है कितना, 13,000 kg है ना। यहां पे 90 ले लो, 90 लेने से क्या होगा, जीएसटी लेस करेंगे एंड
ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करेंगे। बताओ 13,000 इंटू 90 कितना आएगा? जीएसटी एट द रेट 2.5 पर केजी और ये एट द रेट रुपी 1, सो दिस विल बी तो 13,000, नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज तेरह हजार केजी का बताओ नेट परचेस प्राइस। नहीं 11,22,000 नहीं आएगा। ठीक है, एट ट्रांसपोर्ट 30 लेस सेल ऑफ स्क्रैप 500। अगर कंटेनर्स रिटर्नेबल होता ना तो मेरा नहीं है, वो तो उसका है। ठीक है, नाउ ये सब सही है। ट्रेड डिस्काउंट जीएसटी माइनस कर दिया परचेस प्राइस से, फ्रेट ले लिया और कंटेनर्स वेयर नॉन रीयूजेबल एंड उसको बेच दिया, सेल ऑफ स्क्रैप में आ गया। अब एक चीज पढ़ना, मैंने क्या बोला था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं लेना है, लेकिन लिखा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द केमिकल्स। तुम्हारा नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं है, ये ऑर्डरिंग रिलेटेड कॉस्ट हो गया। सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज बेसिकली प्रोक्योरमेंट रिलेटेड बोल सकते हैं अपन। कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल। Let me just take you again. तो एनआरवी है
कॉस्ट फॉर्मूला जैसे स्टोरेज कॉस्ट, किसका स्टोरेज कॉस्ट के, फिनिश गुड्स का स्टोरेज कॉस्ट के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर रॉ मटेरियल प्रिजर्व करना है हमको, कोल्ड चेन फैसिलिटी, देन स्टोरेज कॉस्ट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड, बट इफ रॉ मटेरियल स्टोर करना जरूरी है, अनलेस द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स सच स्टोरेज, लेना है हम लोगों को। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ सेल एंड सेलिएबल कंडीशन, ये एक्सक्लूडेड, दिस इज नॉट एक्सक्लूडेड। अदर देन इफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ब्रिंग द केमिकल, टू प्रोक्योर द केमिकल, राइट, देन इट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, क्लियर? तो यहां पे अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी लेना है। बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री। अब करूंगा मैं नॉर्मल लॉस 4%, 520, यहां कुछ नहीं आएगा, 12,480, 11,64। कॉस्ट पर केजी कितना आ रहा है जस्ट बताना। एग्जैक्ट, क्लियर?
इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? ना, ये बहुत सिंपल है, अब क्या करना है अपने को मालूम है। इनपुट आउटपुट ऑलरेडी बनाया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस आएगा 80 kg, एक बार ये चेक कर लो, 11,64,000 डिवाइड बाय 12,480 इतना ही आ रहा है ना? दिस विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस विल बी बैलेंस शीट एंड ये सीओपी। डन, चलिए आइए लास्ट एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन करेंगे। टेन वाला आपका आईसीआई का मैट में है, लेट अस डू नंबर 11। कैन पीटी लिमिटेड अ वायर नेटिंग कंपनी वाइल वैल्यूइंग इट्स फिनिश स्टॉक एट ईयर एंड इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी एज एलिमेंट, एज एन एलिमेंट और कॉस्ट? कि बोलता है ओवरड्राफ्ट हैज बीन स्पेसिफिकली टेकन फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग करंट एसेट। नहीं, एकदम क्लियरली मैंने बता दिया था, इंटरेस्ट नहीं कंसिडर होता है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक। इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट में जो जो इंक्लूड होता है वो बताया हुआ है, प्रोडक्शन रिलेटेड, स्टोरेज रिलेटेड नहीं होता, एडमिन रिलेटेड, लेकिन एडमिन रिलेटेड अगर प्रोक्योरिंग रिलेटेड होगा तो हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस ये सब इंक्लूड नहीं होता, इंटरेस्ट भी इंक्लूड नहीं होता। लेकिन मैंने आपको एक चीज और भी बताया था, अगर मेरा क्वालिफाइंग एसेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो हम लोग करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट, अगर किसी इन्वेंट्री को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, राइट, तो आप लोन लेके अगर बना रहे हैं इन्वेंट्री को, तो इन दैट केस जो भी इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा इन्वेंट्री कॉस्ट में, राइट? दिस वी विल लर्न इन बोरोइंग कॉस्ट।
तो एज ऑफ नाउ एकदम क्लियर हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिंपली एन एक्सपेंस, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, राइट? ओनली इफ इंटरेस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कॉस्ट, प्रोवाइडेड सच इन्वेंट्री इज अ क्वालिफाइंग एसेट. एंड क्वालिफाइंग एसेट किसको बोला जाता है? जिसको बनाने में 12 महीना से ज्यादा का समय लग रहा है, उसी को क्वालिफाइंग एसेट बोला जाता है, राइट? तो ये जो ट्रीटमेंट इन लोगों ने किया है गलत है. सिंपली मैं करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए तो मैं लोन लूंगा ही, लोग लेते हैं, नहीं तो रॉ मेटेरियल कहां से खरीदते हैं? रॉ मेटेरियल खरीदने के लिए बैंक ओडी लेंगे, लेकिन वो आपका फाइनेंस कॉस्ट माना जाएगा, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेंटरी कॉस्ट. सो इट इज फाइनेंस कॉस्ट, नॉट एन इन्वेंटरी कॉस्ट. एक्सेप्शन AS 16, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. एक्सेप्शन इज AS 16. Okay. So that's it from today. There are few questions left. I'll upload one small video on this probably. जैसे अगर आप देखेंगे तो ये सारा क्वेश्चन तो हमारे ICI का मैट का है. ICI, this is also ICI. Right. So ये दो तीन ठो क्वेश्चन है. I think I'll just going to give one video on this. Chaliye. So next class we'll be starting with a different chapter. Okay, thank you so much.